नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश वाघेला और स्वागत है आपका मेरी चैनल में कच्छ दर्शन की सीरीज में। आज मैं आया हूं एक और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस जो भुज के एकदम नज़दीक हिस्टोरिकल प्लेस। आप शायद इस प्लेस को जानते भी होंगे, काफ़ी खूबसूरत जगह। ये है भुज का शरद बाग पैलेस, एक हिस्टोरिकल प्लेस, काफ़ी खूबसूरत। तो चलिए इसको देखते हैं और जानते हैं। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कच्छ के सारे प्लेसेस और कच्छ की सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शरद बाग पैलेस को हम देखते हैं और मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा। शरद बाग, ये देखिए दोस्तों, ये है शरद बाग पैलेस के अंतिम राजा और महाराजा मदन सिंह जी, जी हाँ, उसकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये कच्छ के अंतिम राजवी महाराज श्री मदन सिंह जी का निवास स्थान है और इनके बारे में सारा एक यहाँ पर पूरा हिस्टोरिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से उनका एंट्रेंस है, एक्चुअली अंदर जा मैंने देख लिया है, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आप ऐसे विजिटिंग करते हो तो आप अंदर जाके पूरा देख सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये काफ़ी खूबसूरत और एक हिस्टोरिकल प्लेस हम देखेंगे बाहर से। ये पैलेस के अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो इस शरद बाग पैलेस की एंट्री फीस ₹25 रखी गई है। जी हाँ, चलिए हम चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत गार्डन, यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, काफ़ी खूबसूरत। और गार्डन यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी सारे कौवे। और यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको ले जा रहा हूँ शरद बाग पैलेस, काफ़ी पुराना प्राचीन हिस्टोरिकल। ये है महाराजा मदन सिंह जी का शरद बाग पैलेस, देखिए कैसा खूबसूरत और पुराना। चलिए हम देखते हैं एकदम नज़दीक से। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये बंद पड़ा है। ये है शरद बाग पैलेस और काफी लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ये देखिए पूरा प्राचीन हिस्टोरिकल, और यहाँ पर पूरा गार्डन बना हुआ है। चलिए हम यहाँ से साइड से हम देखते हैं इस पैलेस को। जी हाँ, भुज में स्थित हिस्टोरिकल प्लेस शरद बाग पैलेस। अगर आप भुज घूमने आए हैं तो ये जगह की विजिटिंग करिए, काफ़ी पुराना। देखिए थोड़ा जर्जरित भी हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये है पूरा गार्डन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा और एकदम पुराना किला। ये देखिए दोस्तों, चलिए तो आगे हम चलते हैं और गार्डन भी देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत और देखने लायक जगह। सुंदर गार्डन भी यहाँ पर बना हुआ है, भुज का एक हिस्टोरिकल प्लेस। आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत यहाँ पर आ सकते हैं मनोरंजन के लिए भी, ये काफ़ी अच्छी जगह। ये देखिए पीछे का, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए थोड़ा साइड से भी हम, इस साइड से भी हम इस पैलेस को हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा बहुत। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसका टाइमिंग मॉर्निंग 10 से 1 और शाम को 3 से 6 बजे तक। ये देखिए यहाँ से खूबसूरत सा दिखता हुआ, ये रहा शरद बाग पैलेस, काफ़ी पुराना। ये थोड़ा जर्जरित भी हो चुका है, ये एक्चुअली कंस के अंतिम राजवी महाराजा मदन जी
का निवास स्थान है। अंदर बहुत काफ़ी खूबसूरत गैलरी उनके बारे में पूरा डिस्प्ले किया गया है और यहाँ पर ये गार्डन भी बना हुआ है, ये देखिए। चलिए दोस्तों, एक अच्छी जगह अगर आप भुज में हैं और कहीं प्लानिंग कर रहे हैं भुज विजिट का, तो एक बार बिल्कुल इस प्लेस को मिस मत कीजिए, विजिट कीजिए, देखने लायक। चलिए दोस्तों, तो मैं आपके लिए और ऐसे सारे वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको कच्छ की हिस्टोरिकल, रिलीजियस, नेचुरल और कच्छ की संस्कृति, कला, आर्ट, ये सारी चीज़ें कच्छ से रिलेटेड मैं आपको इस चैनल के द्वारा मैं देता रहूँगा। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से एक बार। ये है शरद बाग पैलेस का महाराजा मदन सिंह का निवास स्थान, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्प्ले की गई है, उनके बारे में आप बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।